दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी अपने जो है 10वीं या फिर जो है 12वीं का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना चाहते हो 10th या फिर 12th क्लास का, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिजी लॉकर की मदद से। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर आपको भी काम पड़ गया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट से तो आप लोग कैसे उसको ईजिली निकाल सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, 2 मिनट के अंदर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। और दोस्तों चाहे आपका जो है कोई सा भी बोर्ड हो और आप लोग कहीं से भी हो, आप लोग जो है किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग इजीली अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके फ़ोन में जो है डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपने निकल रखा तो प्ले स्टोर पर अगर आप लोग सर्च करोगे डिजी लॉकर तो ये आ जाएगा। तो आपको जो है सबसे पहले डिजी लॉकर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको जो है सबसे पहले इसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन इसमें सबसे पहले कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें अपना अकाउंट बना रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो उसके ऊपर जो है मैंने वीडियो बना रखी, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो आप लोग जैसे इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर लोगे ऐप के अंदर, ओपन करोगे इसको, उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा। अब आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिख रहा है पर सर्च डॉक्यूमेंट, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको सर्च फॉर डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है सर्च में लिखना है माइग्रेशन। जैसे आप लोग माइग्रेशन सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है माइग्रेशन, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर सर्चेज आ रहे हैं। जैसे मेरा CBSE बोर्ड है तो यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ पर अलग अलग बोर्ड आपको दिख रहे हैं। तो आपको जिस भी बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जिस भी क्लास का, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो मुझे जो है CBSE बोर्ड का करना है दोस्तों। तो अगर आपको 10वीं मतलब CBSE बोर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, तो अगर आपको 10th क्लास का करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आपको 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है। तो मैं 12th का करूँगा CBSE बोर्ड का, तो इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपके सामने तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपका नेम दिख जाएगा, जो आपने आधार कार्ड डाल के इसमें लॉगिन किया होगा वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपका रोल नंबर डालना है 12th क्लास का, जो भी आपकी 12वीं क्लास का रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपने कौन से किस साल में जो है 12वीं क्लास पास की थी वो साल यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, तो ये आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ उन सभी को फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है रोल नंबर डाल दिया अपना, उसके बाद ये डाल दी जिस भी साल मैंने जो है 12th पास की थी। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है फेचिंग, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है और आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो आ जाएगा। आप लोग उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा वेट करना। तो ये मेरा जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया, नीचे देख सकते हो ये आ गया। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और आप लोग ईजिली जो है इसको माइग्रेशन को यहाँ से देख सकते हो। देख सकते हो मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो आ चुका है, ओपन हो गया। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपको उसको डाउनलोड करना तो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने कॉलेज वगैरह स्कूल में जहाँ पर जरूरत होता है आप लोग वहाँ से जो है वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है 12th का या फिर 10th का जो भी है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हो। तो